न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। अगली खबर सतना से है, जहां शहर का सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। आज नामांकन की अंतिम तारीख है, ऐसे में महापौर पद के लिए राष्ट्रीय पार्टियों के प्रत्याशियों ने भारी लाव लश्कर के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल किया है। बीजेपी से योगेश ताम्रकार, कांग्रेस से वर्तमान विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने बतौर प्रत्याशी नामांकन दाखिल किया है, तो वहीं बीएसपी से कांग्रेस के कद्दावर नेता शहीद अहमद ने पर्चा दाखिल कर दिया है। ऐसे में सतना में महापौर पद पर त्रिकोणीय संघर्ष का मुकाबला दिखाई देने लगा है। हालांकि तीनों ही प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। सतना महापौर पद की दौड़ के लिए शहर संग्राम शुरू हो गया है और प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियां बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी ने अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी से जहां व्यापारिक एवं संघ के चेहरे योगेश ताम्रकार को टिकट दिया है। योगेश ताम्रकार ने संगठन एवं बीजेपी की जनप्रतिनिधियों के भारी लाव लश्कर के साथ पर्चा दाखिल किया है, तो वहीं कांग्रेस ने विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा पर ही भरोसा जताया है। सिद्धार्थ कुशवाहा ने भी आज अंतिम तारीख में भारी भरकम जुलूस के साथ अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। वहीं कांग्रेस से महापौर पद की टिकट न मिलने से नाराज शहीद अहमद ने कांग्रेस से बगावत कर बतौर बीएसपी प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल किया है। तीनों प्रत्याशियों ने अपने अपने जीत के दावे भी किए हैं। देखना काबिले गौर है कि अब जनता का वोट किस करवट बैठता है। विराट 24 के लिए सतना से संपत मिश्रा की रिपोर्ट। नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन था, हमारी पार्टी के तमाम पार्षदों, मैंने खुद महापौर पद के लिए नामांकन दाखिल किया है और मुझे पूरा विश्वास है, जिस तरीके से 18 में सतना की जनता ने कांग्रेस का साथ दिया था, उसी तरीके से इस नगर निगम चुनाव में भी कांग्रेस का साथ देंगे। और हम लोग एक स्पष्ट MIC, बहुत साफ सुथरी MIC और नया महापौर, कांग्रेस का महापौर हम लोग देखेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। देखिए ऐसा है, अगर आज भी भाजपा कांग्रेस के फूट पे अपनी जीत सोच रही है तो सोचिए क्या काम किया उसने।